हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ हैंडबैग्स जो मैंने अंतरा फैशन से मंगवाई थी। दिस इज़ द पार्सल दैट आई रिसीव फ्रॉम हर। एज़ यू गाइस नो कि मैंने उनसे साड़ियाँ परचेस की है। आई हैव परचेस ज्वेलरी फ्रॉम हर एंड नाउ दिस इज़ ज्वेलरी में तो सब आता है 1.5 का ज्वेलरी देन डायमंड एडी ज्वेलरी एंड दैट टेम्पल ज्वेलरी। टेम्पल ज्वेलरी वो मैट फिनिश वाले। आई थिंक आई हैव शेयर्ड इन शॉर्ट्स उनके प्रॉपर वीडियोज़ मैं जल्द ही बनाऊँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ बैग्स शेयर करूँगी जो मैंने उनसे ऑर्डर की थी। तो ये है फर्स्ट बैग जो मैंने ऑर्डर की है। This is such a cute and smart one. Black है तो हर कोई आउटफिट के साथ जाती है एंड इसका जो डिज़ाइनिंग है उस हिसाब से दिस विल गो ऑन योर वेस्टर्न वेयर एज वेल एज ऑन योर इंडियन वेयर। इसको हम खोलेंगे। इसके टू कंपार्टमेंट्स हैं और एक ये पीछे चेन है। काफ़ी स्पेशियस बैग है फॉर अ स्मॉल ट्रैवल और समथिंग। ओह वाव, इसके साथ ये स्लिंग के लिए अटैच्ड है, अटैचमेंट अवेलेबल है। देन आई हैड ऑर्डर फॉर दिस टू बटुआ काइंड ऑफ पाउचेस। दिस बैग कॉस्टेड अराउंड 440 आई गेस एंड समथिंग अराउंड लाइक दैट ओनली। एंड ये पाउचेस कुछ 130 के अवेलेबल थे उनके पास, जिसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मैंने ये दो कलर्स ऑर्डर किए हैं और भी है बट इस पैटर्न में ये दो कलर्स हैं। दिस इज़ वन इज येलो एंड अदर इज दिस ऑरेंज। येलो मैंने परचेस किया था एंड ये मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि यू बाय दिस ऑल्सो। ये मोस्ट ऑफ द यू नो इंडियन आउटफिट्स पे जाते हैं ना करके। ये येलो ये दोनों मैंने ऑर्डर किए थे कि आपने इंडियन साड़ीज़ वगैरह जब अपन वेयर करते हैं तो इसमें ऐसे कुछ कलर्स कॉमन रहते हैं, जैसे कि येलो ऑरेंज रहता है, देन अगेन ग्रीन बॉटल ग्रीन काइंड ऑफ शेड रहता है हमेशा। द सेकेंड पर्स दैट आई परचेज वॉज प्रॉपर पर्स दैट आई परचेज। ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर का ये जो वर्क था ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये विद स्लिंग एंड दिस इफ यू वांट टू जस्ट होल्ड इट एंड गो। ये कलर भी बहुत प्यारा है। इसमें भी ये दो कंपार्टमेंट्स हैं, ये पीछे एक चेन है और इसके साथ मैंने एक क्लच ऑर्डर किया था। ये ब्लैक कलर में है और वो शाइनी सा मटेरियल में है। इफ यू जस्ट होल्ड दिस विद योर नाइस डिजाइनर साड़ीज एंड ऑल दिस लुक परफेक्ट। इसके अंदर स्लिंग अटैच रहेगी उसकी। ये ओपन में बांधने का तो पता चला ओपन करने के चक्कर में कहीं मैंने इतना तोड़ दिया वो है। उस बैग में और कुछ और भी कुछ है। आई एम सॉरी स्टिल कफिंग। ये और एक पाउच जो ऑर्डर किया है ये नॉर्मल वाइट एम्ब्रॉयडरी है, वाइट एंड गोल्ड एंड दिस इज विद कलरफुल एम्ब्रॉयडरी ऑन इट। ये मैं पर्टिकुलरली मैंने एक अपनी साड़ी पे मैच करने के लिए ये ऑर्डर किया था। ऑल हैज़ दिस ब्यूटिफुल पर्ल फिनिशिंग वाले हैंड्स एंड इफ यू सी ना कि ये एक मीन्स नॉर्मल सा ऐसा स्टिच किया हुआ नहीं है। यहाँ पे एक हुक है जिसके अंदर प्रॉपरली सिक्योर्ड है ये सब। इट इज़ नॉट दैट लोकल चालू क्वालिटी के दो चीज़ें डाल दो तो टूट जाएगा।
then in this I had this coin pouch that I got from her. This was very cute. I liked it, so I thought cake order kar dete. This was for 70 rupees or 100 rupees, I guess. This is a cute, beautiful pouch. Usually a coin pouch, but you can keep your headphones and anything small that you want to carry along with you, like earbuds or something. Coins ke liye to you will have to open carefully, but then for this it is nice for your headphones. आजकल ऐसे काफी trending में है. और एक this is the black one that I ordered. ये black भी मैंने मेरी particular साड़ी जो मैंने अंतरा जी से ली थी उसके लिए ही purchase किया है. और उस पर भी ऐसे फ्लोरल डिज़ाइन है और इस पर भी है, तो आई थॉट कि ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. एंड सेम नाइस स्ट्रिंग्स एंड ऑल यू हैव दिस टू यू नो बटुआ जैसा फिनिश देने के लिए. सो ये थी कुछ हैंड बैग्स मैंने जो उनसे परचेज की थी. एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई परचेज एंड आई होप टू शो यू मोर सच वीडियोज़ फ्रॉम अंतराज फैशन. Thank you and goodbye. Have a nice day.